यहाँ पर आपको 120 वॉट का जो फास्ट चार्जर है ना वो मिलता है। आउटडोर में मैं लेके गया, वहां पर फर्क पता लगता है। बाकी रियलमी के अंदर आपको 120x जूम का ऑप्शन मिलता है, तो हमने तीन फोटो क्लिक कर रखे हैं। दोस्तों ये हैं दो मोस्ट हाई फोन्स और इन दोनों फोन्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि एप्पल और सैमसंग भी पीछे रह जाएंगे। एक तरफ है मेरे पास रियलमी का 12 प्रो प्लस और दूसरी तरफ है रेडमी की तरफ से आने वाला उनका नोट 13 प्रो प्लस। आज इन दोनों ही फोन्स की कंपैरिजन की बात करते हैं, दोनों में देखते हैं कौन सा बढ़िया फोन रहेगा 30,000 के आसपास, कैमरा कंपैरिजन, गेमिंग टेस्ट और यहां पर देखते हैं डिस्प्ले में कौन जीतता है। सबसे पहले दोनों जो फोन्स हैं ये भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं, इनके जो फ्रेम्स हैं वो आप देखोगे तो भाई पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं और जो पीछे है ना ये वीगन लेदर दोनों के अंदर यूज कर रखा है। लेकिन अगर साइड बाय साइड देखोगे ना जो लुक्स है ना वो मुझे रियलमी की ज्यादा पसंद आ रही है। दोनों जो कैमरा बम्प्स है ना भाई पूरे पूरे निकले हुए हैं, इतने हैं कि भाई कवर के साथ ही छुप सकते हैं और अगर आप नॉर्मली यूज करें ना बिना कवर के तो भाई स्क्रैचेस पड़ना डेफिनेटली यहां पर पॉसिबल है। इवन यहां पर एक चीज नोटिस करोगे दोनों जो फोन्स हैं वो अंडर 200 ग्राम्स के अंदर आते हैं, तो यहां पर ना फील अच्छी है, लाइट वेट लगते हैं फोन और दोनों फोन्स को वन हैंडेड आप यूज कर सकते हो। दोनों फोन्स की अगर ओवरव्यू की बात करूं तो लगभग दोनों फोन सेम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां पर ना बस आयर ब्लास्टर का जो फर्क है ना वो आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो सारी चीजें ना वो नीचे या फिर ऊपर आपको सेम देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इन दोनों फोन्स में ना सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो इनकी डिस्प्ले के अंदर है। वैसे देखो मैं साइड बाय साइड सारे स्पेक्स डाल दूंगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए और मैं जल्दी से बता भी देता हूं। दोनों की जो डिस्प्ले है ना 120 हर्ट्ज के साथ आती है और यहां पर आपको 6.7 इंचेस जो कि रियलमी मिल जाता है और यहां पर आपको 6.6 इंचेस जो कि रेडमी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करती है। रेडमी के अंदर आपको 1800 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस, यहां पर आपको 1600 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस, जबकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो रेडमी के अंदर यह है कि 1.5K वाली डिस्प्ले आती है, लेकिन रियलमी के अंदर यहां पर आपको FHD डिस्प्ले मिलती है। आउटडोर में मैं लेके गया, वहां पर फर्क पता लगता है कि हां भाई जो ब्राइट डिस्प्ले है उसके जो कलर्स हैं इवन जो शार्पनेस है वो ज्यादा देखने को मिलती है रेडमी के अंदर। एंड दोनों डिस्प्लेस ना भाई कर्व भी आती हैं, तो यहां पर ना जब मैं बेजल्स देख रहा था ना तो मुझे देखने को मिला जो रियलमी की डिस्प्ले ना उसमें थोड़े-थोड़े जो बेजल्स हैं वो थोड़े से बड़े देखने को मिलेंगे। अगर मैं ऊपर की बात करूं या फिर उसकी चिन की बात करूं तो वहां पर भी आपको थोड़े बहुत बड़े देखने को मिलेंगे जो बेजल्स हैं। बाकी कर्व दोनों के अंदर आती है डिस्प्ले और काफी सेक्सी लगती है भाई दोनों फोन्स की जो डिस्प्ले है। दोनों फोन्स के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और दोनों बखूबी सही काम करते हैं, लेकिन रियलमी के अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन मिलता है उसी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर। वहीं अगर स्पीकर की बात करूं तो मैंने देखा भाई रेडमी वाला जो स्पीकर है ना वो थोड़ा सा लो है अगर आप रियलमी के कंपैरिजन में बात करोगे। रियलमी का थोड़ा शार्प और लाउड मिलता है आपको। हालांकि देखो दोनों ही फोन्स के अंदर प्राइसिंग में काफी डिफरेंस आएगा। ये फोन कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद आई थिंक जहां तक है शायद 31 या फिर 30,000 के आसपास मिल सकता है, जबकि ये वाला जो फोन है भाई 33-34,000 रुपए के आसपास आपको मिलता है। लेकिन यहां पर कुछ फीचर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि यहां पर आपको NFC का सपोर्ट मिलता है। काफी लोग पूछ रहे हैं कि रियलमी में NFC का सपोर्ट है या फिर नहीं है, यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो फोन है IP68 वाटर रेटिंग के साथ आता है, तो पानी वगैरह में आप डिप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे देखो यहां पर कोई कंफर्मेशन तो नहीं है रियलमी के अंदर, लेकिन यहां पर ना इसकी जो सिम कार्ड है ना वो गैस्केट वाली है, तो माइट भी यहां पर आपको IP55 जो रेटिंग है ना वो मिल सकती है। जैसे मैंने बताया था कि भाई आईआर ब्लास्टर का भी सपोर्ट है, लेकिन एक दो फीचर और भी हैं जो आपको आगे जानने को मिलेंगे इस फोन में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके एंड्रॉइड वर्जन की, तो ये दोनों फोन्स ना अलग अलग एंड्रॉइड के साथ आते हैं। मतलब रेडमी वाला जो फोन है एंड्रॉइड 13 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स और यहां पर ना हाइपर OS का सपोर्ट मिलता है, तो आपको जो अपडेट है ना वो जल्दी मिल जाएगा काइंड ऑफ। और यहां पर ये रन करता है MIUI 14 के साथ, जबकि अगर रियलमी की बात करूं तो भाई ये एंड्रॉइड 14 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स और यहां पर आपको रियलमी UI 5.0 मिलता है। अब इन दोनों UI के अंदर ना खासियत भी है, कुछ बुराई है भी। अगर मैं बुराइयों की बात करूं तो भाई दोनों के अंदर ब्लॉटवेयर आते हैं, अनवांटेड ऐप्स आते हैं जिनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और अच्छा ये है कि दोनों फोन्स के अंदर ना आपको ड्यूल ऐप, ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, और देखो रेडमी के अंदर तो MIUI का डायलर आता है तो कॉल रिकॉर्डिंग यहीं से कर सकते हो, जबकि रियलमी के अंदर ना आपको ओ डायलर डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से, तो भाई यहां पर भी पॉसिबल है। एंड गाइस अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि परफॉर्मेंस के अंदर ना उतना ही डिफरेंस है जितना प्राइसिंग का है, क्योंकि यहां पर दोनों के अंदर ना 4nm वाले जो प्रोसेसर है ना वो डाले गए, लेकिन भाई एंटीटू स्कोर डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेडमी के अंदर आपको 7200 अल्ट्रा वाला जो प्रोसेसर है वो मिलता है, 4nm पे बेस है, 7 लाख प्लस यानी कि मैं बोलूँ 7,20,000 के आसपास आपको स्कोर मिलते हैं एंटीटू। और CPU थ्रॉटलिंग के अंदर ना भाई स्टेबल परफॉर्मेंस है 92% के आसपास, कहीं भी भाई रेड लाइंस ब्लड लाइंस नहीं देखने को मिलेगी और हीट नहीं करता है फोन। गेमिंग यहां पर आप 60 FPS पे कर पाओगे और बहुत स्मूथ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, और स्पीकर का आउटपुट भी वहां पर ठीक लगा था मुझे। और रियलमी की बात करूं तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 मिलता है और यहां पर आपको 6.5 लाख के आसपास स्कोर मिलते हैं। CPU थ्रॉटलिंग यहां पर भी स्टेबल मिलती है, जहां पर कोई भी हीटिंग या फिर यहां पर बोलूंगा ब्लड लाइंस का जो इशू है वो नहीं मिलेगा। गेमिंग यहां पर भी आप 60 FPS पे कर पाओगे और स्मूथ गेमिंग है। बाकी ना
साइड बाय साइड आप देख ही पा रहे हो भाई दोनों का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक भी कर पा रहे हो दोनों के अंदर जो गेमिंग है ना ये ना स्मूथ चलती रहेगी यहाँ पर और कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। इवन जो स्पीकर का आउटपुट या फिर जो भी चीज है ना गेमिंग के अंदर, जैसे दोनों फोन का जो जायरोस्कोप है वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी अगर बात करूँ भाई इनके गीकबेंच स्कोर्स की तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हुए, दोनों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कहीं तो रियलमी आगे बढ़ जाता है और कहीं रेडमी में स्कोर्स आपको ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीपीयू क्यों या फिर सीपीयू क्यों। एंड गाइस अगर इन दोनों फोन्स की ना फुल वीडियो भी देखनी है ना आपको, तो वरना चैनल पर डाल रखी है भाई, जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना चैनल विजिट कर सकते हो। और दोस्तों अब है महा मुकाबले वाली बात, यानी कि कैमरा टेस्ट की बात करते हैं। और यहाँ पर भाई आप लोग रुके पड़े थे भाई कैमरे की बारी कब आएगी, तो यहाँ पर अब बारी आ चुकी है कैमरा सेक्शन की। तो सबसे पहले बता दूं भाई दोनों के अंदर अलग अलग सेंसर आते हैं, अलग अलग जो फुटेज है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्पेक्स की बात करते हैं, रेडमी के अंदर आप देखोगे तो 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर आता है और सामने की तरफ यहाँ पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है। जबकि अगर स्पेक्स की बात करूँ तो भाई यहाँ पर आपको एक मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जहाँ पर आपको 3x ऑप्टिकल जूम और 6x इन सेंसर जूम का ऑप्शन मिल जाता है और 120x जूम का भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो लेंस है ना वो भी यहाँ पर दे रखा है और सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो भाई आउटपुट कमाल का होने वाला है। वैसे बता दूं उसका कैमरा टेस्ट फुली तरीके से वो भी कर रखा है अलग से, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। बाकी इन दोनों की बात करते हैं, तो गाइस पहली जो फोटो ली है मैंने बालकनी के अंदर लिया और ये रियर कैमरा यूज कर रखा है। यहाँ पर आप देखोगे भाई जो कलर साइंस है ना वो रियलमी की ज्यादा एक्यूरेट लगेगी, जहां पर आपको शार्पनेस भी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। इवन जो कलर्स है ना वो भी ज्यादा बढ़िया है रियलमी के अंदर। सेम यही चीज नेक्स्ट फोटो में भी है, कलर ज्यादा अच्छे हैं रियलमी के। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे तो ये 3x पर मैंने फोटो क्लिक करी है जहां पर ना डिटेलिंग रियलमी के अंदर ज्यादा अच्छी है, बजाय अगर आप रेडमी में देखोगे तो, और वहां पर ना जूम करके देखोगे तो फोटो फटती भी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने मैक्रोस फोटो क्लिक करी है और जहां पर आपको डिटेलिंग दोनों में लगभग सेम मिल जाएगी, लेकिन जो कलर्स हैं वो आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे रियलमी के अंदर। ये वाली जो फोटो है इसके अंदर हमने 6x जूम कर रखा है, अब यहाँ पर रियलमी के अंदर 6x सेंसर जूम आता है तो यहाँ पर डिटेलिंग भी अच्छी मिल जाएगी, इवन जो कलर्स हैं वो भी बेटर मिल जाएंगे, इवन जो शार्पनेस है ना उसको भी अच्छे से मेंटेन करता है रियलमी, जबकि रेडमी के अंदर थोड़ी सी ओवर शार्प हो जाती फोटो और डिटेलिंग उतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट मैंने आउटडोर के अंदर सेल्फी ली और यहाँ पर भी आप देखोगे शेडोज को अच्छी तरीके से मेंटेन करा है रियलमी ने और यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो भी सही काम करती है। इवन जो रेडमी है वो थोड़ा सा ना स्मूथ कर देता फेस को, डिटेल्स सब मिट जाती हैं और थोड़ी सी फिल्टर टाइप फोटो लगती है। नेक्स्ट हमारी जो फोटो है ये पोर्ट्रेट मोड पर, और दोनों के अंदर ना फोटो की जो क्वालिटी है वो बढ़िया आई है मेरे हिसाब से, लेकिन जो कलर्स हैं वो रियलमी के ज़्यादा नेचुरल हैं, बाकी डिटेलिंग दोनों ही फोटोज में बढ़िया आ रखी है। अगली जो फोटो है मैंने 10x पर क्लिक करी है और यहाँ पर भी जो रियलमी है ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कलर्स ज़्यादा बढ़िया आए हैं इसमें। नेक्स्ट ये वाली जो फोटो है ये अल्ट्रा वाइड के अंदर क्लिक करिए और यहाँ पर भी रियलमी ने अच्छा परफॉर्म करा है, ज़्यादा डिटेल्स हैं फेस के ऊपर और रेडमी के अंदर पिक्सलेट हो जाती है फोटो। बाकी रियलमी के अंदर आपको 120x जूम का ऑप्शन मिलता है, तो हमने तीन फोटो क्लिक कर रखे हैं 30x पे, 100x पे और 120x पे, तो भाई ऐसा कुछ आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो फोटो इंडोर लो लाइट कंडीशंस के अंदर है और दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्म करा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कलर मैं कहूँगा रियलमी की जरूरत है, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो रेडमी के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बेटर नजर आएंगे। नेक्स्ट ये वाली जो सेल्फी इंडोर कंडीशन के अंदर फुल लाइट वाइट ऑन करने के बाद और यहाँ पर जो क्लोज टू नियर नेचुरल फोटो बोलूँगा ये रियलमी की लगी मुझे, जहाँ पर जो कलर्स हैं इवन जो टोन है कलर्स की, कलर साइंस बोलूँगा वो अच्छे से मेंटेन कर रखा है, रेडमी ने उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रखा और थोड़ी वाइड फोटो मिलेगी रियलमी के अंदर। अब ये जो नेक्स्ट फोटो है इसके अंदर भी भाई बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है एक्सपोजर को रियलमी ने, जहां पर मेरे फेस के ऊपर कोई भी ज्यादा एक्सपोजर नहीं नजर आ रहा, डिटेल्स एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है, जबकि रेडमी के अंदर भाई थोड़ी सी लाइट पड़ती एकदम हार्श हो जाती लाइट और डिटेलिंग तो ठीक है लेकिन एक्सपोजर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया और जो कलर्स हैं वो भी काफी वार्म और येलो की तरफ बढ़ गए हैं। बाकी इसके बाद वीडियोस की बात करते हैं। तो दोस्तों ये है इनका फ्रंट कैमरा, अब यहाँ पर बता दूं तो रेडमी के अंदर आपको 1080p 60fps का ऑप्शन है फ्रंट कैमरा में, जबकि रियलमी के अंदर आपको 30fps का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर ना कलर्स वगैरह देखोगे तो मैं कहूँगा नियर टू नेचुरल है रियलमी के अंदर, जबकि रेडमी के अंदर मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़े से फेड लग रहे हैं, हल्के फुल्के ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर ना शार्पनेस भी मुझको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बाकी ऐसा कुछ आउटपुट है, माइक्रोफोन आप सुन पा रहे हो साइड बाय साइड। अब रियर कैमरा पे स्विच करते हैं। दोस्तों ये है इनका दोनों का रियर कैमरा और यहाँ पर आप देखोगे भाई दोनों के अंदर 1080p 60fps का ऑप्शन मिलता है, वैसे 4K 30fps का ऑप्शन भी है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी
मैं कहूंगा वीडियो इतनी स्मूथ नहीं बनती, तो यहाँ पर मैं इनका आउटपुट दिखा रहा हूँ। माइक्रोफोन आप साइड बाय साइड देख ही पा रहे, और इसके बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पर ना रेडमी के अंदर भाई आप 6x तक जूम कर पाओगे, जबकि रियलमी के अंदर आप 18x तक जूम कर पाओगे वीडियो के अंदर, तो ये काफी बढ़िया चीज लगी मुझे। बाकी आउटपुट आप देख लेना, मुझे रियलमी का आउटपुट ज्यादा बढ़िया लग रहा है। गाइस जो बड़ा डिफरेंस है ना वो ये है कि यहाँ पर आपको दोनों के अंदर वैसे तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जिंग जो स्पीड है ना उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 120 वॉट का जो फास्ट चार्जर है ना वो मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको 67 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो मिलता है। अब ये फोन तो 20 मिनट में चार्ज जाएगा, लेकिन इसको चार्ज होने के लिए लगभग 35 से 40 मिनट लगेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है काफी लोगों के लिए कि भाई उनको एकदम फास्ट स्पीड चाहिए या फिर थोड़ी सी स्लो चाहिए, लेकिन ये भी फास्ट तरीके से हो जाता है फोन चार्ज। अब मैंने सारे डिफरेंस बता दिए इन दोनों फोन के बारे में, लेकिन प्राइसिंग का क्या भाई, प्राइसिंग क्या आएगी इस फोन की, इसकी तो सबको पता है। तो यहां पर अगर बात करूं तो भाई इसको छोड़ देते हैं, इसकी अगर बात करूं तो ये कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद आई थिंक 31,000 या फिर 32,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि 25,000 के अंदर आएगा तो हम लेंगे, 30,000 के नीचे आएगा तो हम लेंगे, तो बता दूं इसका जो प्रो वाला जो वेरिएंट है ना वो आपको 25,000 के आसपास मिल सकता है, जहां पर आपको कैमरा सेक्शन में थोड़ा सा डाउनग्रेड मिल सकता है, इवन दो चार चीजें हैं जो थोड़ी सी डाउनग्रेड मिल सकती है, लेकिन वहां पर उसकी प्राइसिंग कम मिलेगी। इसकी प्राइसिंग लगभग भाई 30,000 के आसपास प्लस ही मिलेगी आपको, और इसका सीधा सीधा कॉम्पिटिशन यही है, इसीलिए मैंने इस फोन के साथ मतलब कम्पीट करा दिया इस फोन को। लेकिन अगर फिर भी इन दोनों में मन बन रहा है कि भाई लेना कौन सा चाहिए, तो बता दो ना इसकी यूएसपी कौन कौन सी है और इसकी यूएसपी कौन कौन सी है। सबसे पहले अगर आप इसको देख रहे हो ना, सबसे पहले यहाँ पर जो स्पीकर का आउटपुट था ना वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगा था रेडमी के मुकाबले। इसकी जो डिजाइन है, इसका जो पर्सपेक्टिव है ना वो बढ़िया लगा। इवन यहाँ पर आपको 120x जूम मिलता है जो कि रेडमी के फोन में नहीं मिलता। कैमरा सेक्शन में बोलूंगा भाई रेडमी के फोन से बढ़िया आपको देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रंट में भी 60fps का ऑप्शन मिलता है, बस यहाँ पर वो चीज़ की कमी लगी मुझे। बाकी फोटोग्राफी में ये ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा था रेडमी के मुकाबले, और थोड़े से कम बजट में भी आएगा अगर आप इससे कंपेयर करो। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ तो भाई इसको इसके ऊपर क्यों बाय करना चाहिए, सबसे पहले देखो आईआर ब्लास्टर आता है, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड आती है, इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइट और ज़्यादा शार्प आपको देखने को मिलेगी, एनएफसी का सपोर्ट मिल जाता है, प्रोटेक्शन अच्छी है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिल जाता है जिससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड यस, एंटीटू स्कोर्स और प्रोसेसर के अंदर ना ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी ज्यादा बेटर मिलती है। एंड लास्ट यहां पर आपको जो फीडबैक है ना, हैप्टिक फीडबैक, वो भी मैं कहूंगा कि काइंड ऑफ इसका बेटर है इसके मुकाबले, थोड़ा सा इसका चीप लगता है, इसका काइंड ऑफ ठीक लगता है अगर आप दोनों में कंपेयर करें तो। और लास्ट में जाते जाते एक चीज और, काफी लोगों को ये ओवर प्राइस ही लग रहा था फोन, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने बाय करा, लेकिन इससे काफी उम्मीद है कि भाई ये फोन 30,000 के अंदर आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि भाई 30,000 के अंदर अगर नीचे आता है तो क्या आप बाय करोगे, और क्या अगर ये फोन 35,000 रुपए के अंदर आता है तो इन दोनों में से कौन सा आप चूज करोगे। बाकी जो अपने ओपिनियन है भाई कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, और ये वीडियो में खत्म कर रहा हूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।